हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? और गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद है कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर्स का सेशन शुरू करने वाले थे, तो ये करंट अफेयर्स का सेशन अब शुरू हो चुका है। आज से करंट अफेयर्स आपको डेली सुबह 6 बजे यहाँ पर मिलेगी। तो आपको 6 बजे डेली लाइव हो जाना है, और लाइव हो करके आपको इसको करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आराम से प्यार से पढ़ना है, ठीक है? देखिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बहुत सारे करंट अफेयर्स के से रिलेटेड एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जैसे कि आपका RRB NTPC है, इसके अलावा बैंक के हैं, IBPS PO का एग्ज़ाम है, या कोई भी एग्ज़ाम आता है जिसमें कि GA GS पूछा जा रहा है, स्टैटिक का पॉइंट पूछा जा रहा है, तो उसमें आपका करंट अफेयर्स आता ही है बेटा। तो यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर्स का सेशन शुरू कर चुके हैं, और इस सेशन को हम लोग ने टॉपिक दिया स्पॉटलाइट ऑफ करंट अफेयर्स, एंड दिस इज़ ऑफ 17th of August 2019। और ये जो सीरीज़ है, ये सिलेक्शन मेंटरों की तरफ से आपको रेगुलर बेसिस पे मिलेगी, और आप इस पर रेगुलरली नोट्स बना सकते हैं, बढ़िया से अपने पास पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। लेकिन सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए। और स्पेशली RRB NTPC के जो लोग हैं वो इस नंबर पर आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हो, 9121815869 पर। वहाँ पर बहुत सारे हम लोगों ने ग्रुप बना रखे हैं, सिलेक्शन मेंटोर ने ग्रुप बना रखे हैं, RRB NTPC के लिए एक्सक्लूसिवली हैं वो। तो आप उन उनसे जुड़ करके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वहाँ पे सिलेक्शन मेंटोर नाम के सर्च करना है, आराम से आपको उसका लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ इसके बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ क्लेरिफाइज द रूल्स ऑफ फ्री ट्रांजेक्शन बाई ATM? कौन सा इंस्टीट्यूट है, कौन सी संस्था है जिसने ATM द्वारा मुक्त लेन देन के नियमों को स्पष्ट किया है? देखिए, आपको मालूम है कि डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स के द्वारा कुछ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जो हैं वो ही केवल फ्री किए गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जो फ्री ट्रांजेक्शन होने के बाद पेनाल्टी के रूप में पॉइंट काउंट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में तो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले जो क्वेश्चन है कि किसने क्लेरिफाई किया है कि फ्री ट्रांजेक्शन बाई ATM जो है उसके रूल्स क्या हैं, उसको किसने क्लेरिफाई किया है? तो इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है RBI। तो इसने इसको किसने क्लेरिफाई किया है, मैं यहाँ पर टिक भी लगा दे रहा हूँ आपके लिए। तो इसका आंसर है RBI, ठीक है? तो RBI ने किया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसके एक्सप्लेनेशन में अगर हम लोग चलते हैं तो एक्सप्लेनेशन में हमें पता चलता है, द RBI हैज़ टोल्ड टू बैंक्स नॉट टू ट्रीट फेल्ड ट्रांजेक्शंस एट ATM और नॉन कैश ट्रांजेक्शन सच एज बैलेंस इंक्वायरीज और चेक बुक रिक्वेस्ट एज अ पार्ट ऑफ 5 फ्री ट्रांजेक्शन अवेलेबल टू द कस्टमर्स एवरी मंथ। तो प्रत्येक महीने जो 5 ट्रांजेक्शंस फ्री मिलते हैं, उस 5 ट्रांजेक्शन में क्या क्या चीज़ें ऐड नहीं होगी जो फ्री ट्रांजेक्शन है। जैसे सपोज दैट अगर आप लोग बैंक के ATM में जाते हो, तो बैंक ATM में जाकर के आप सपोज आपने इंक्वायरी किया है कि हमारा बैलेंस कितना है, तो ये भी एक ट्रांजेक्शन के रूप में काउंट हो जाता है। था तो आपने अगर 2 बार कैश निकाला और 2 बार अगर आपने ट्रांजेक्शन पता कर लिया, सॉरी बैलेंस पता कर लिया, तो आपके 4 ट्रांजेक्शन हो जाते थे जो कि फ्री वाले हो जाते थे। अब आपके पास सिर्फ एक फ्री ट्रांजेक्शन बचता था। तो यहाँ पर RBI कहता है कि नॉन कैश ट्रांजेक्शन जो हैं वो फ्री ट्रांजेक्शन ही माने जाएंगे, यानी उनको फ्री ट्रांजेक्शन में अलग से काउंट नहीं किया जा सकता है। यानी आपका 5 ट्रांजेक्शन जो फ्री होगा वो कौन सा फ्री होगा, वो कैश निकालने वाला ट्रांजेक्शन ही फ्री किया जाएगा, ठीक है? तो इससे काफ़ी सुविधा मिलेगी आपको, आप अन्य लेन देन को फ्री ट्रांजेक्शन में काउंट नहीं किया जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन क्रिकेटर हैज बिन अपॉइंटेड एज इंडियन क्रिकेट कोच फॉर अनदर 2 ईयर? दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई थिंक कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है और बहुत ईजी भी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। किस भारतीय क्रिकेटर को अगले 2 वर्षों के लिए भारतीय क्रिकेट कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर, रवि शास्त्री एंड सौरव गांगुली। तो इसका आंसर आपको बताना है, जल्दी से इसका आंसर बताइए कॉमेंट करके। जी हाँ, आप लोगों में से कई सारे लोगों ने यहाँ पे कमेंट किया और कमेंट करके बताया रवि शास्त्री। तो रवि शास्त्री जी का नाम बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो आपको ध्यान रखना है कि रवि शास्त्री जी जो हैं इनको 2 साल के लिए आगे, और अभी भी रवि शास्त्री जी कोच हैं, और इनको 2 और साल के लिए, मतलब आगे 2 साल के लिए कोच नियुक्त कर लिया गया है, ठीक है? तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है। एक्सप्लेनेशन में आप देखेंगे क्या लिखा है, लिखा है थ्री मेंबर क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी
Kapil Dev, Anshuman Gaikwad, and Sanatha Rangaswamy made the announcement that the former Indian cricketer Ravi Shastri has been appointed as the coach of Indian cricket team for second successive term. तो अभी आपको मालूम ही है कि प्रेजेंट टाइम में भी जो है हमारे रवि शास्त्री जी ही कोच हैं, लेकिन इनको आगे 2 साल के लिए और अपॉइंट कर लिया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक। अगले 2 साल के लिए और इसको इनको अपॉइंट कर लिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर ऑफ NIHFW? तो NIHFW के नए डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त या नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन हैं आपके सामने, हर्षद पांडुरंग, हरेंद्र सिंह, सोमनाथ चंद्रा, सोमेश चंद्रा एंड कविता पाटिल। तो इन चार में से आपको नाम बताना है कौन है जिनको NIHFW का चीफ चुना गया है, या कह सकते डायरेक्टर चुना गया है, सॉरी। तो अगर आपने आंसर दिया हुआ है हर्षद पांडुरंग, तो हर्षद पांडुरंग ठाकुर जी जो हैं इनको चुना गया है NIHFW का डायरेक्टर, ठीक है। तो ये क्या है, NIHFW है क्या ये? तो इसका फुल फॉर्म यहाँ पे आपको सबसे नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ इसका करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर आपका पहला वाला है, हर्षद पांडुरंग। तो हर्षद पांडुरंग जी को डायरेक्टर चुना गया, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है NIHFW का फुल फॉर्म क्या है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो यहाँ पर लिखा है NIHFW एंड इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एक्ट्स एज एन एपेक्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट एज वेल एज द थिंक टैंक फॉर द प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स इन द कंट्री। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो NIHFW जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है, ये पूरी कंट्री में जो फैमिली है और जो उसकी हेल्थ है उसके लिए अच्छे अच्छे स्कीम्स बनाने का प्रयास करते हैं, थिंक टैंक की तरह काम करते हैं, और इसका निदेशक चुना गया है, किसको चुना गया है, हर्षद पांडुरंग जी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, वेयर डिड द ट्राइबल फेस्टिवल आदि महोत्सव बिगिंस? आदि महोत्सव, ये आदि महोत्सव जो महोत्सव है, आदिवासियों का महोत्सव है, ये कहाँ से शुरू हुआ है, यानी कहाँ पर शुरू हुआ है? तो आपको बताना है कि ये आदि महोत्सव कहाँ पर हो रहा है। ऑप्शंस हैं आपके, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख या MP। फटाफट से आंसर करिए, जल्दी जल्दी यहाँ पे आंसर करिए, ठीक, गुड। यहाँ पर आंसर बहुत सारे लोगों का बिल्कुल सही आ रहा है, और आंसर है लेह लद्दाख, बिल्कुल सही बात है, लेह लद्दाख इज द राइट आंसर, ओके, लेह लद्दाख यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि ये आदि महोत्सव जो है वो कहाँ पर शुरू हुआ, तो आदि महोत्सव आपका लेह लद्दाख में शुरू हुआ। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर मिल रहा है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर एंड ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया या इंडियन लीग या इंडिया, यानी कि टेरिफेड, यानी TRIFED, इसका शॉर्ट फॉर्म है, कह सकते हैं एब्रिविएशन है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका फुल फॉर्म अगर पूछा है तो आप आराम से बता सकते हो, टेरिफेड का, आर ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज अ 9-day आदि महोत्सव, यानी कि कौन कौन लोग मिलकर के आदि महोत्सव मना रहे हैं, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री एंड TRIFED, ट्राइफेड। तो ट्राइफेड और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री, ये दोनों लोगों ने 9 दिन का ये महोत्सव जो है वो मना रहे हैं, और ये 9 दिन का महोत्सव कौन सा महोत्सव है, आदि महोत्सव है। ये कब से कब तक चलेगा, 17 अगस्त से लेकर के 17th अगस्त से लेकर के 2019 तक। तो ये हो रहा कहाँ रहा है, लद्दाख में हो रहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। थीम इसका भी ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अ सेलिब्रेशन ऑफ स्पिरिट ऑफ ट्राइबल क्राफ्ट कल्चर एंड कॉमर्स। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है थीम, अ सेलिब्रेशन ऑफ स्पिरिट ऑफ ट्राइबल क्राफ्ट कल्चर एंड कॉमर्स, ये इसकी थीम है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विलेज वॉलंटियर सिस्टम हैज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, किस राज्य सरकार के द्वारा विलेज वॉलंटियर सिस्टम जो है वो लॉन्च किया गया है या प्रस्तुत किया गया है? तो ऑप्शंस हैं आपके सामने बेटा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गोवा एंड सिक्किम। तो आपको बताना है इसमें से सही नाम कौन सा है, किस राज्य सरकार के द्वारा इस सिस्टम को शुरू किया जा रहा है, आपको इसका नाम बताना है। सो अगर आपने आंसर किया यहाँ पर आंध्र प्रदेश, देन यू ऑल आर राइट, जिन्होंने ये क्वेश्चन का आंसर आंध्र प्रदेश किया हुआ है, बिल्कुल सही है वे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश द राइट आंसर। सो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है, लिखा है
आंध्र प्रदेश सीएम वाई एस जगन मोहन रेड्डी। तो वाई एस जगन मोहन रेड्डी हैज़ लॉन्च्ड हिज फ्लैगशिप प्रोग्राम टू प्रोवाइड गवर्नमेंट सर्विसेज एट डो स्टेप्स ऑफ पीपल एंड ईच वॉलेंटियर विल बी पेड ऑफ ₹500 पर मंथ एंड द पर्सन हैज़ टू इंश्योर दैट द बेनिफिट्स रीच द पीपल इन द 50 हाउस होल्ड्स इन द विलेज। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये आंध्र सरकार के द्वारा चलाया गया है। आंध्र सरकार के चीफ मिनिस्टर का नाम भी यहाँ पर लिखा है जगनमोहन रेड्डी, और उन्होंने ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम चलाया है जिससे कि जो सरकार की जो कह सकते हैं स्कीम्स हैं वो इन वॉलेंटियर्स की सहायता से गाँव तक पहुँचाई जा सकें। इसके लिए वॉलेंटियर्स को 500 पर मंथ का पे भी मिल रहा है, उनको पे भी किया जा रहा है, लेकिन इसके लिए वॉलंटियर्स को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उन्होंने गांव के 50 हाउसहोल्ड्स को ये बेनिफिट पहुंचाया है, ठीक है, तब जाकर के उनको ये पेमेंट मिलेगा। और ये पहल करी गई है किसके द्वारा, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, और इस पहल का नाम क्या है, विलेज वॉलंटियर सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्या सिन्हा पासिस अवे एट 71, शी वॉज अ फेमस। आपको बताना है विद्या सिन्हा अभी हाल ही में जिनका 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, वह एक बहुत ही प्रसिद्ध क्या थी इनमें में से, सिंगर, एक्टर, डायरेक्टर और डांसर और आर्टिस्ट। आपको बताना है इनमें में से वो क्या हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ, आपने भी शायद बता दिया होगा अब तक करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर इसका बेटा, ये एक ही बहुत ही फेमस एक्टर हैं, ठीक है, थीके? और यहाँ पर लिखा है शी वॉज नोन फॉर हर रोल इन बासु चटर्जी फिल्म रजनीगंधा। तो रजनीगंधा एक फिल्म है जिसको निर्देशन किया था जिसका बासु चटर्जी ने 1974 में, और वे इसी फिल्म से फेमस हुई थी। इनका भी हाल ही में 71 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है विद्या सिन्हा कौन है, एक्टर हैं, ठीक, बहुत ही फेमस एक्टर हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, रिनोन्ड नोवेलिस्ट रजिया रहमान पासेज अवे रिसेंटली, शी बिलोंग्स टू विच कंट्री। अभी हाल ही में एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार रजिया रहमान का निधन हो गया, वो किस देश से बिलोंग करती हैं। ऑप्शन है आपके सामने, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश एंड ईरान, किस देश से बिलोंग करती हैं, आपको ये बताना है फटाफट कि ये किस देश से बिलोंग करती हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। तो ये किससे बिलोंग करती हैं, बांग्लादेश से। तो यहाँ पर इसके बारे में एक पॉइंट लिखा हुआ है, शी रिसीव द बांग्ला एकेडमी लिटरेरी अवार्ड इन 1978 एंड वॉज अवॉर्डेड कुशे पदक दिस ईयर। तो आपको ध्यान रखना है कुशे पदक भी इन्होंने इस साल जीता है, और साथ ही साथ बांग्ला एकेडमी लिटरेरी अवार्ड 1978 में इन्होंने जीता था। तो आपको ध्यान रखना है ये बहुत ही फेमस हस्ती हैं, और इनका नाम है रजिया रहमान, और रजिया रहमान किस देश से बिलोंग कर रही हैं, बांग्लादेश से, और ये कौन है, बहुत ही फेमस नोवेलिस्ट हैं, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप इन 18 ईयर। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप चैंपियन इन 18 ईयर। 18 वर्ष की उम्र में प्रथम भारतीय जूनियर विश्व चैंपियन का खिताब रेसलिंग में किसने जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर रेसलिंग शब्द नहीं लिखा होगा, तो आप रेसलिंग जरूर लिख लेंगे। तो इंडियन जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप ये 18 वर्ष की उम्र में जीतने वाले प्रथम भारतीय का नाम आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर है, दीपक पुनिया, विकी चाहर, योगेश्वर दत्त या बजरंग पुनिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दीपक पुनिया, ठीक है। तो दीपक पुनिया जो है वो 18 वर्ष के इंडियन वर्ल्ड जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के विजेता हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है दीपक बीट्स रशियाज अलिक शेवजुकोव, ठीक है। तो अलिक शेवजुकोव को उन्होंने हराया है, 86 किलोग्राम के फ्री स्टाइल टाइटल में उनको हराया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और नाम लिखा हुआ बेटा, देखिए विकी चहर करके एक नाम लिखा हुआ, तो विकी चहर ऑन द अदर हैंड वोन ब्रॉन्ज इन 92 केजी कैटेगरी बाय बीटिंग मंगोलियाज बेटा मांगी। तो यहाँ पर मंगोलिया के एक बेटा मांगी हैं, तो बेटा मांगी को हरा करके उन्होंने 22 केजी के फ्री स्टाइल में उन्होंने हराया है विकी चहर ने। और विकी चहर ने हराया है जिसको, उनका नाम यहाँ पर मैंने अभी पढ़ दिया है, और इनको मिला क्या है, इन ब्रॉन्ज मेडल मिला हुआ, ठीक है। साथ साथ आपको नाम याद रखना है किसका, दीपक पुनिया जी का। दीपक पुनिया जी ने हराया है रशिया के अलिक शेवजुकोव को, ठीक है, शेवजुकोव जी को हराया 86 किलोग्राम के फ्री स्टाइल टाइटल में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
इंडियन साइक्लिस्ट वोन हिस्टोरिक गोल्ड एंड वर्ल्ड जूनियर ट्रैक बाय डिफीटिंग विच कंट्री। भारतीय साइकिल चालक टीम ने किस देश को हराकर विश्व जूनियर ट्रैक पर ऐतिहासिक स्वर्ण जीता है? तो आपको बताना है वर्ल्ड जूनियर ट्रैक जो है वो ऐतिहासिक रूप से कौन सी साइकिलिस्ट चालक जो टीम है, कहाँ की साइकिलिस्ट चालक टीम जो है उनको हरा करके जीता है इंडिया ने। तो आपको ध्यान रखना है ये इंडिया ने जीता है। किसको हरा करके जीता है? ऑस्ट्रेलिया को हरा करके जीता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन टीम को हरा करके जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बेटा? ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर लिखा है सोएल्बन रोनाल्डो सिंह एंड रोजित सिंह। तो सोएल्बन और रोनाल्डो सिंह और रोजित सिंह ये लोगों ने एक हिस्ट्री क्रिएट किया है बाय विनिंग गोल्ड एट फ्रैंकफर्ट जर्मनी। तो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में ये चैंपियनशिप हुई है, यहाँ पर इन्होंने जीता है ये साइकिलिंग का जो ये हिस्टोरिकल वर्ल्ड ट्रैक टूर है। और दिस इज इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड इन ग्लोबल साइकिलिंग कॉम्पिटिशन। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ध्यान रखनी, इसी वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु गॉट एपीजे कलाम अवार्ड रिसेंटली? हाल ही में एपीजे कलाम पुरस्कार जो है वो किसको मिला? तो हाल ही में एपीजे कलाम पुरस्कार किसको मिला है? यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, के सिवान, अविनाश चंद्र, अरविंद कुमार एंड अनिल धशमाना। तो अनिल धशमाना इनमें में से चारों में से किसको मिला है एपीजे कलाम अवार्ड? तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर है, इनका करेक्ट आंसर है के सिवान। तो आपको मालूम है के सिवान कौन है? के सिवान बेटा जो है ये इसरो के डायरेक्टर है, सॉरी के सिवान जो है वो कौन है? इसरो के डायरेक्टर है, माफ कीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, हाँ तो के सिवान जो है वो इसरो के डायरेक्टर हैं और इन्हीं को मिला हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है के सिवान इज द चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, अंडर हिज लीडरशिप द इसरो लॉन्च इज चंद्रयान सेकेंड मिशन। आपको मालूम है कि चंद्रयान सेकेंड मिशन अभी करेंटली जो है वो चर्चा में है और इसको सक्सेसफुली सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जिनके निर्देशन में लॉन्च किया गया उनका नाम है के सिवान और ये के सिवान जी ही इसरो के चेयरमैन हैं और इन्हीं को मिला है एपीजे कलाम पुरस्कार अभी हाल ही में, ठीक है। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स, उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अगर किसी प्रकार का आपको वैल्यूएबल कमेंट्स जो हैं वो आपके हमारे लिए वेलकम है, आप उसको लेकर के आइए, ठीक है। आपको कोई परेशानी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप कमेंट में लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत अच्छी तरीके से पसंद आएगा। दोस्तों अब ये सेशन जो है डेली 6 बजे आएगा आपके पास में, ठीक है, 6 बजे इसकी पूरी सीरीज चलेगी। सुबह 6 बजे आपको लाइव रहना है, आकर के आराम से इस करंट अफेयर्स को पढ़ना है। सो हैव अ गुड डे, थैंक यू।